नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली, आप खबरों की ओर रुख करते हैं। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 19 नवंबर को हुए मारपीट में घायल राम विनोद राय का पुत्र राहुल कुमार की मौत बीती रात इलाज के दौरान हो गई। आक्रोशित परिजनों ने सबके साथ महावीर चौक के पास जाम कर उचित न्याय की मांग कर रहे थे। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के चकहवी पंचायत के वार्ड नंबर 15 निवासी राहुल कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई, जिससे ग्रामीण उग्र हुए और सिंघिया दल सिंह सराय मुख्य सड़क को कल्याणपुर महावीर चौक पर जाम कर करीब 7 घंटे तक हो हंगामा किया। परिजन और ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित न्याय की मांग किया है। हम ऐसे बेचते हैं दारू, पुलिस को मैनेज करके बेचते हैं। बोलने वाला कौन, बस उसी पर दोनों का हल्का लंघन हुआ, बस पूरा घर वाला के साथ जो है सो मतलब एक आदमी मारा रोड से इस पर, सब 5-7-8 आदमी है फरीकी में, सब मिल के चूर दिया उसको, माथे को चूर दिया सल्फर का। आपका कौन हुआ? लड़का है। आपका लड़का हुआ? 6 गो लड़की पर एक ही लड़का है, इस शादी सुधा नहीं है। इस घटना से पुलिस का रवैया, पुलिस से प्रशासन से आपका आपको क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं लगता है, इसलिए हम जब थाना गए रात में तो मेरा पेटीशन भी नहीं ले रहा था, जबरदस्ती फेंक के चले आए। उसके बाद बोला जो सवेर में आएंगे, जाओ। तो सवेर से कितना फोन कहाँ कहाँ से गया, नहीं आया। तो गांव का लोग भाई किस किस कारों के सबके कहा, चलिए लेके रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। तो सब उठेना पुठेना रोड पर चला आया। उसके बाद भी रोड पर आने से 2 मिनट में पुलिस पहुंच गया, यहाँ बैठे हुए थे, अब वहाँ नहीं जा रहा था छोटा मोटा। तो हम लोग कहे जो भाई आपको तो रात में कहे नहीं आए, तो फिर डीएसपी साहब को बुलाइए, एसपी साहब को बुलाइए, तभी हम लाश देंगे। सवेर से फोन क्या कर रहा है, क्या कर नहीं रहा है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। सब बैठ के रामायण गा रहा है, टाइम पास कर रहा है। अब कहता है क्या, जो ये जो घटना घटी है उसमें कोई संबंध नहीं है, समस्तीपुर आयशा और भाजपा माले द्वारा मगरदही घाट स्थित भगत सिंह स्मारक स्थल पर छात्र संघ चुनाव में विजयी छात्रों का अभिनंदन समारोह किया। जिले में LMNU छात्र संघ चुनाव में विभिन्न कॉलेजों से जीते हुए आयशा नेताओं एवं समर्थकों का अभिनंदन समारोह समस्तीपुर शहर के मगरदही घाट स्थित भगत सिंह स्मारक स्थल पर आयशा एवं भागवा माले द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान क्रांतिकारी नारे लगाकर शुरू किया गया। तत्पश्चात भागवा माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, फेमस के जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय, आयशा प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक राय, उमेश राय, अरुण राय द्वारा जीते 25 छात्र नेताओं को डायरी कलम देते हुए उन्हें माला पहनाकर छात्र हित के सवाल को लेकर क्रांति के पथ पर बढ़ने की अपील किया है। मगरदही घाट से डी न्यूज के लिए रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ है, उसमें मैं CM लॉ कॉलेज दरभंगा से प्रत्याशी था काउंसिल मेंबर का, तो वहाँ से हमने AVP को हरा के जीत हासिल की है। निश्चित रूप से आज का जो दौर है, जब लगातार शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, शिक्षा बजट में लगातार कटौती हो रही है,
आप देखिए कि लगातार फीस वृद्धि हो रही है, सीट कट होता जा रहा है, जब उच्च शिक्षा लेने में छात्रों की ललक बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जब शिक्षा पर पूरे तौर पर हमले हो रहे हैं, रोजगार के अवसरों पर हमला हो रहा है और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ऐसे दौर में सरकारी नहीं संघर्षकारी छात्र संघ ने इस नारे के साथ हम लोगों ने कॉलेज के भीतर LDF बना करके चुनाव लड़ा। ये छात्र संघ चुनाव का जो प्रथम चरण का चुनाव था उसमें हम रोसरा यूर कॉलेज में सभी पैनलों पर जीत के आए हुए हैं और वहाँ पे ABVP को जड़ से हम उखाड़ फेंकने का काम किया और इसी और उम्मीद और विश्वास के साथ हम आज यूनिवर्सिटी में सभी पैनलों पे और खास करके मैं CRJD से कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करता हूँ और उन्हें विनती करता हूँ कि आप डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट सभी पैनलों पर आप वोट देकर जिताने का काम करें और हम आपको उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नेशनल विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का हम लोग का यथासंभव प्रयास रहेगा। शिक्षा बजट में जिस प्रकार कटौती निरंतर किया जा रहा है इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे हम लोग और जिस प्रकार BEd में फीस जो अधिक बढ़ा दिया गया था जिसको लेकर के हम लोगों ने सचिवालय में भी घेरने का काम किया। पशुपालक किसान सम्मेलन का आयोजन रुपौली हाई स्कूल में किया गया, कार्यक्रम का उद्घाटन सीता काटकर किया गया। जिले के सरायरंजन प्रखंड के रुपौली हाई स्कूल के प्रांगण में 11 सूत्री मांगों को लेकर पशुपालक किसान सेवा संघ बिहार के द्वारा अंतर जिला पशुपालक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान ने किया। वही मंच संचालक संयोजक अभियान समिति के डॉ. भूपेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजक पशुपालक किसान संघ के रामाशय ठाकुर के द्वारा किए गए। कार्यक्रम के मौके पर जवाहर राय, रामानंद ठाकुर, विजय कुमार आजाद, जय कृष्ण राय, सतीश झा, विश्वबंधु राय, प्रोफेसर लक्ष्मी यादव, कुशेश्वर प्रसाद सिंह, राम कुमार कुशवाहा, शिवजी दास, संजीव राय अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसानों को एकजुट होकर गांव की खुशहाली एवं किसानों के विकास की बात कही। इस सम्मेलन का लक्ष्य है बिहार के किसानों का कर्ज माफ, मिले दूध एवं कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम, गोबर उठाने वालों का हो सम्मान। यही है इस अभियान का पैगाम। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सरायरंजन प्रखंड के रुपौली हाई स्कूल से डी न्यूज के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हसनपुर थाना क्षेत्र के नया नगर निवासी सुबोध कुमार की बाइक 27 नवंबर को चोरी हो गई थी मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। इसके बीच 12:45 होने चला था। हम उधर कोर्ट के काम करके आए, 1 बजे में देखते हैं गाड़ी वहां पर नहीं खड़ी। यहां पर हम उधर उधर खोज किए, नहीं जब मिला तो हमने नगर थाना को हम सूचना दिए। देने के बाद उन्होंने FIR मेरा नोट किए रात में। उसके बाद उस दिन से मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा। जहाँ तक सुनाई में आया जो कि जहाँ चोर पकड़ाया, मेरा अभी तक गाड़ी का कोई बरामद नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन सिर्फ सुनने के लिए आता है, कहता है, मगर इस पर कोई बढ़िया ठोस कदम नहीं उठाते हैं। लगभग 4.5 करोड़ की लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर में।